हे गाइस वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग। सो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिली को। और सेलिब्रेट करना फेस्टिवल, बट ये हो सकता है मैं व्लॉग को एक दो दिन लेट अपलोड करूं क्योंकि मैं अगले दो दिन तक ट्रैवल करने वाला हूं, मैं काम से जा रहा हूं। बट हुआ क्या, मैं यहां से निकल रहा था और मैंने अभी देखा कि टाइगर 3 रिलीज हुई है, तो मैंने इन बच्चों से बात करी, ये दोनों छोटू और मोटू UP 11 चीते आए सहारनपुर के दोनों। तो इन्होंने कहा भैया मूवी दिखा दो, तो मैं कहा चलो ठीक है, मूवी देखने के बाद फिर मैं जो है यहाँ से चंडीगढ़ निकल जाऊंगा और टाइगर 3 देखने जा रहे हैं, मोस्ट वेटेड मूवी ऑफ द ईयर। तो देखते हैं कैसी रहने वाली है, क्योंकि मैंने सुना है उसमें शाहरुख खान की गेस्ट अपीयरेंस होगी। और फिलहाल हम सहारनपुर के अंदर ही हैं और यहाँ के ट्रैफिक से जूझ रहे हैं क्योंकि हमें इतने ट्रैफिक की आदत नहीं है। तो भाई अगर आपने इधर कार चला ली ना, फिर तो आप कहीं भी कार चला सकते हो, पहाड़ पहुड़ तो छोड़ ही दो भाई ट्रैफिक बहुत गंदा है यार यहाँ पे। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ 1.5 साल से यार कंस्ट्रक्शन चल रही है, आई डोंट नो किस चीज की है, मे बी सीवेज पाइप वगैरह डल रही है, या तुम लोगों को पता है किस चीज की कंस्ट्रक्शन, नहीं इन बच्चों को भी नहीं पता यार किस चीज की चल रही है। तो 1.5 साल हो गया इसको चलते हुए और पूरे शहर में डस्ट डस्ट हो रखी है इधर ना, तो लोग भी काफ़ी परेशान हैं, मतलब रास्ते बंद रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे गलियों गलियों के या फिर ये सड़कों सड़कों के जो भी है। और आप देख ही रहे हो अच्छी खासी ऑफ रोडिंग चल रही है यहाँ पे शहर के बीचों बीच, और यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है जहाँ पे हम मूवी देखने जा रहे हैं। तो मेरी भी ये फर्स्ट मूवी होने वाली है सहारनपुर में, और मूवी देखने के बाद मैं निकलूंगा चंडीगढ़, और मूवी देखने के बाद मैं आपको दूंगा इसका रिव्यू कैसी मूवी है, वर्थ है या नहीं है। बाकी तो सलमान खान की अलग ही फैन फॉलोइंग है, तो उसमें अगर अच्छी स्क्रिप्ट ना भी हो, स्टोरी ना भी हो, तब भी लोग देखते हैं। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ अच्छी स्टोरी मिल जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, जैसे जवान में मिल गई थी हमें अभी लास्ट टाइम। तो जनरली मैं रिव्यूज़ देता नहीं हूँ मूवीज़ के, वो बस एक लाइक अचानक से प्लान बन गया, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ रिव्यू भी शेयर हो जाएगा। और उम्मीद करूँगा कि मैं आज या कल में ही ये व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूँ, जिससे कि आप लोगों को भी रिव्यू मिल जाए। तो चलते हैं एंड देखते हैं मूवी कैसे रहने वाली है, 2.5 घंटे की मूवी है। और यहाँ से लेफ्ट या राइट? राइट, ओके, तो इधर से राइट लेते हैं। सो गाइस फाइनली वी रीच्ड एंड क्या नाम है इसका, शाइन लव दिख भी नहीं रहा, धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा ना। एंट्री कर रहे हैं भाई, पार्किंग तो मिल जाएगी होप सो, और स्क्रीन देखते हैं कैसी है, छोटी है बड़ी है, यहीं लगा देते हैं कार। तो फाइनली गाइस मूवी देखकर हम लोग निकल रहे हैं, और रिव्यू देने से पहले मैं इन लोगों से पूछ लेता हूं कि मूवी कैसी लगी। तो भाई मूवी कैसी लगी? बढ़िया थी मूवी, तो बढ़िया थी। ओ भाई कहाँ है, अच्छा वो आ रहा है अभी। तो यार बच्चों को तो बढ़िया लगी है, तो मैं रिव्यू शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ कि मुझे कैसी लगी और वर्थ थी या नहीं थी। तो सबसे पहले मैं स्टोरी लाइन की बात कर लेता हूं। तो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि वही सेम इंडिया पाकिस्तान रो ISI के ऊपर मूवी बेस्ड है, बट इस बार थोड़े बहुत ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार क्या होता है कि हमें इंडिया को नहीं बचाना, हमें पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की PM को बचाना है मूवी में। तो इसी के ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है, और आपको स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में एक्शंस हैं, एक सॉन्ग आता है, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि मल्टीपल सॉन्ग्स आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही एक्शंस खत्म होने के बाद सॉन्ग आता है, उसके बाद मूवी पूरी की पूरी बोरिंग होने लगती है, क्योंकि इमरान हाजमी जो है अपनी स्टोरी सुनाने लगता है और हमें लगता है कि मूवी ऐसे ही निकलने वाली है। बट इंटरवल के बाद हमें देखने को मिलता है एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसे इंटरवल खत्म होता है एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, शाहरुख खान की एंट्री होती है, और शाहरुख खान की एंट्री होते ही तो भाई पूरा थिएटर हॉल जो है ना वो हूटिंग के साथ गूंज उठता है भाई, हल्ला शोर शराबा फुल हो रहा होता है। तो वहीं से एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और एंड तक आपको
फुल ऑफ एक्शंस देखने को मिलेंगे, जो उन्होंने फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी बोरिंग दिखा दिया सीन, उसको थोड़ा कवर अप कर लिया उन लोगों ने, बढ़िया था। और अगर मैं अब एक्टिंग की बात करूं तो भाई सलमान खान स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भाई बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक में दिखाई दिए हैं भाई। जैसे मूवी स्टार्ट होती है और एंड तक फुल सीरियसनेस और वही फुल ऑफ एक्शंस भाई, पूरे एक्शंस किए हैं उन्होंने, तो वो मजा आ गया। कैटरीना कैफ भाई, कैटरीना कैफ बनी हुई है हमारी वंडर वुमन, ऐसे ऐसे एक्शन स्टंट्स किए हुए हैं उस इस मूवी में, तो देख के उनको मजा ही आ गया। और इमरान हाजमी भाई, मुझे लगता है इस मूवी में सबसे अच्छी एक्टिंग जो मुझे लगी है वो लगी इमरान हाजमी की। एक एक्स ISI एजेंट से लेकर उन्होंने जो टेररिस्ट का रोल प्ले किया है, और वो भी इतनी ज्यादा सीरियस लुक में, भाई वो बहुत ही सही था, एक नंबर मजा आ गया। और उसके साथ साथ शाहरुख खान के जो 15-20 मिनट हैं, वो तो आपको पता ही है, जब ये दोनों स्क्रीन पे हों तो फिर तो एक्टिंग भी क्या और एक्शंस भी क्या, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया था। तो इस मूवी को थोड़ा थोड़ा हॉलीवुड मूवी की तरह एक टच देने का ट्राई किया गया है, क्योंकि 90% मुझे लगता है मूवी जो है वो बाहर ही शूट हुई है, आउटसाइड इंडिया, और थोड़ी बहुत एक दिल्ली का सीन आया था छोटा सा, एंड पाकिस्तान का सीन दिखाया उन्होंने काफ़ी लास्ट में, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे शूट हुआ है, बट 90% मूवी बाहर शूट हुई है। और जो मूवी के कलर्स थे, लाइक वही सैफिया कलर्स होता है, लाइक लाइट ब्राउनिश कलर, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया था उन्होंने स्टार्टिंग में ना एक्शंस में, तो वही हॉलीवुड मूवी की तरह एक टच देने का ट्राई किया हुआ है। और एक्शंस जो मैं बताऊँ, एक्शंस एक नंबर थे, मतलब ऐसा नहीं है उन्होंने अननेसेसरी कोई बहुत बड़ी गन उठा रखी है और मार रखा है, तो वो भी ठीक था। एक दो जंप्स जो उन्होंने लिए हैं वो लगी है बस थोड़ी सी कि हाँ ये ज़्यादा हो गया, अदरवाइज एक्शंस वगैरह जो थे पूरे मतलब बढ़िया लगे, जेन्यून लगे, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स की माँ बहन कर रखी है, तो बढ़िया था। और स्क्रिप्ट का तो यार आप लोगों को पता ही है, मुझे भी ये लग रहा था कि भाई इंडिया पाकिस्तान होगा, बट यही नहीं पता था कि इस बार वो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान की PM को बचाने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, मतलब मज़ा आ गया, वर्थ थी। और इन बच्चों को भी अच्छी लगी मूवी, तो मेरा भी टाइम पास हो गया बढ़िया। और दिवाली का दिन है तो अब घर जाके खाएंगे पिएंगे, तो आज तो स्वीट्स वगैरह फुल आ रखी होंगी, और पटाखे वगैरह का अभी कोई प्लान नहीं है, बाकी घर चलकर देखते हैं, अगर वाइब ज़्यादा आ गई तो पटाखे भी फोड़ देंगे। और आप बताना मुझे कि आप किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी दिवाली, और कब देखने जा रहे हो टाइगर 3। तो मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।